दोस्तों IPL साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफ़ी कम समय रह गया है और IPL का 14th एडिशन बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। वहीं बात करें तो बहुत जल्द नया साल भी आने वाला है और नए साल के आने के साथ ही IPL 14 को लेकर यानी IPL के 14th एडिशन को लेकर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। हाल ही में हुई IPL की AGM मीटिंग के अंदर भी बड़े बड़े फैसले आपको देखने को मिल गए, जहां IPL के नए रूल को कोई भी यहां पर पॉजिटिविटी मिली नहीं, यानी दोस्तों कोई भी यहां पर मंजूरी नहीं मिली IPL के नए रूल को लेकर। बट यहां दोस्तों एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि 10 टीमें आने वाली है, साथ ही साथ यहां पर मिनी ऑक्शन ही होगा। और दोस्तों मिनी ऑक्शन जब से सामने निकल के आया है, काफ़ी टीमों की तरफ से बड़ी बड़ी अपडेट्स बाहर निकल के आती है। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है BCCI से, और इसी को लेकर दोस्तों आज दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स KKR की टीम की तरफ से बाहर निकल के आती है। क्या फ़ायदा क्या नुकसान इन अपडेट्स के चलते KKR की टीम को पहुँचने वाला है, क्या बड़ा स्टेटमेंट KKR मैनेजमेंट की तरफ से BCCI की तरफ से आया है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड A to Z सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पटेल भाई के बारे में, जो कि प्रिडिक्शन किंग है। और दोस्तों अभी हाल ही के अंदर चल रही है बिग बैश लीग, जो कि भारत के अंदर काफी फेमस है। और क्या आप जानते हो कि आप बिग बैश के थ्रू काफी सारे पैसे घर बैठे कमा सकते हो? और दोस्तों इसके अंदर मदद करेंगे आपकी पटेल भाई। दरअसल दोस्तों आज मुकाबला है सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स का, और दोस्तों इस मैच के दौरान आप काफी सारे पैसे जीत सकते हो, चाहे टॉस प्रिडिक्शन हो, सेशन प्रिडिक्शन हो, मैच प्रेडिक्शन हो, सभी तरह के जैकपॉट जीतने के लिए पटेल भाई आपके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स नीचे आपको पटेल भाई का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप एक बार जरूर पटेल भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम IPL साल 2021 के लिए काफी ज्यादा मजबूत टीम बनकर सामने आ रही है। बट आपको बता दें दोस्तों कि मेगा ऑक्शन अब कैंसिल हो चुका है, और मिनी ऑक्शन के सामने आते ही KKR की टीम एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि यहां KKR की टीम ने जरूर सोचा होगा कि मेगा ऑक्शन होगा तो यहां हम कुछ ऐसे प्लेयर्स खरीद लेंगे जो साल 2020 के अंदर उनकी कमियां रही थी, उनकी कमजोरियां रही थी। बट अब दोस्तों मिनी ऑक्शन होगा तो काफी कम प्लेयर यहां पर टीम में आएंगे और काफी कम प्लेयर यहां टीम से बाहर भी जाएंगे जो कि कमजोर थे। बट यहां दोस्तों ब्रैंडन मैकुलम के दिमाग में और भी कई सारी चालें हैं जो उनको ट्रॉफी जिता सकती है। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या KKR है तैयार IPL 2021 के लिए, क्या वो तीसरी बार चैंपियन बन पाएगा। इसके अलावा तीन बड़ी अपडेट्स KKR की टीम की तरफ से बाहर निकल के आती है। पहली अपडेट बाहर निकल के आती है IPL की AGM मीटिंग को लेकर। अब दरअसल दोस्तों आपको बता दें पिछले दिनों ही यहां पर IPL की AGM मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि नई टीमें नहीं आने वाली है और मेगा ऑक्शन भी नहीं होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि मिनी ऑक्शन से KKR को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि यहाँ दोस्तों KKR की टीम ने ज़रूर सोचा होगा कि हम जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ पर कुछ भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि इतने पक्के खिलाड़ी नहीं हैं, उनको टीम से बाहर कर देंगे। दरअसल दोस्तों KKR के पास काफ़ी मजबूत खिलाड़ी तो पहले से ही हैं ही, बट जो भी मजबूत खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से फॉरेनर्स हैं, और एक टीम अपनी टीम के अंदर यानी प्लेइंग 11 के अंदर केवल 4 ही फॉरेन प्लेयर्स खिला सकती है। और KKR की ये सोच थी कि इस बार पूरी टीम बदली जाए और एक बैलेंस टीम बनाई जाए, बट मिनी ऑक्शन होगा तो अब दोस्तों KKR की टीम एक बार बैकफुट पर आ गई है। और इसी को लेकर यहाँ KKR की मैनेजमेंट ने BCCI को एक लेटर लिखा है, और उस लेटर के अंदर साफ साफ उन्होंने कहा है कि वो BCCI के इस डिसीजन से पूरी तरह से नाराज है, और वो उनका जो होम ग्राउंड है ईडन गार्डन, उसके अंदर जो भी मैच होने वाले हैं यानी KKR के जो 8 मैच होने वाले हैं, उससे जो भी रेवेन्यू निकलती है जिसका पार्ट यानी जिसका 25% BCCI लेता है, तो वो BCCI को नहीं देने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो BCCI से पूरी तरह से नाराज है, और लेटर में उन्होंने लिखा है कि वो 25% जो रेवेन्यू BCCI हर साल उनसे लेता है, क्योंकि BCCI सभी मैचों के अंदर मैदानों के अंदर IPL कराता है, तो उसके लिए कैंसिल कर चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेगा ऑक्शन से KKR को फ़ायदा होना चाहिए था या फिर मिनी ऑक्शन से सबसे बड़ा फ़ायदा KKR को होना चाहिए था, आपकी क्या है राय नीचे ज़रूर आप बताएं। दूसरी न्यूज़ बाहर निकल के आती है ऑक्शन 2021 को लेकर। अब दोस्तों KKR की टीम पूरी तरह से है तो नाराज कि यहाँ मिनी ऑक्शन क्यों हुआ, बट यहाँ दोस्तों KKR की टीम अब कुछ भी नहीं कर सकती है, BCCI के अगेंस्ट भी वो नहीं जा सकती है। उन्होंने लेटर लिख दिया जिसके अंदर वो रेवेन्यू काटेंगे। बट आपको बता दें दोस्तों कि KKR की टीम मिनी ऑक्शन के लिए भी तैयारियां कर रही है, और आपको बता दें दोस्तों कि जनवरी के अंदर KKR अपनी पहली ट्रेड करने वाला है, और जनवरी के पहले ही हफ्ते के अंदर एक बड़ी ट्रेड KKR की टीम कर देगी। और ये जो ट्रेड है दोस्तों ये मुंबई इंडियंस के साथ करने वाली है। दोस्तों मुंबई इंडियंस के साथ यहाँ पर टीम ट्रेड करेगी तो क्रिस लिन को ही लेकर कर सकती है, और कौन सा प्लेयर होने वाला है। बट आपको बता दें दोस्तों कि क्रिस लिन को अगर मुंबई इंडियंस की टीम छोड़ेगी तो एक बड़ा प्लेयर डिमांड करेगी, और हो सकता है दोस्तों KKR के चलते बड़ा प्लेयर
यहाँ से रिलीज ना हो। तो खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या केकेआर को क्रिस लिन को वापस टीम में शामिल करना चाहिए, और अगर शामिल करना चाहिए तो किस प्लेयर को मुंबई इंडियंस की टीम के साथ ट्रेड करना चाहिए। तीसरी न्यूज़ बाहर निकल के आती है नए बैटिंग कोच को लेकर। दोस्तों आपको बता दें हेड कोच है ब्रेंडन मैकुलम और वही है बैटिंग कोच। बट अब आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन होता तो यहाँ केकेआर के पास जो पर्स मनी थी वो प्लेयर्स को खरीदने में लग जाती, बट अब मिनी ऑक्शन होगा तो केकेआर के पास काफ़ी अच्छी खासी पर्स मनी रहेगी, जिसके साथ वो दोस्तों यहाँ पर एक नया बैटिंग कोच यहाँ पर ले सकते हैं टीम के अंदर। और दोस्तों दो ही नाम सामने निकल के आते हैं, एक है वीरेंद्र सहवाग और एक है विनोद कांबली। इन दो प्लेयर्स को यहाँ पर यानी दो, ये दो कोच हैं जिनको टीम शामिल कर सकती है एज ए बैटिंग कोच। तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीरेंद्र सहवाग या विनोद कांबली में से कौन केकेआर का बैटिंग कोच बनना चाहिए या फिर ब्रेंडन मैकुलम ही सही है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।